अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। सभी पानीपत वासियों को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की, विश्वकर्मा डे की और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी प्रदेशवासियों के लिए कि दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो, सुखारी हो। आप सबको, जिला पानीपत के निवासियों को, हरियाणा के निवासियों को, पूरे भारतवर्ष के निवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल शुभकामनाएं उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और अभी अभी एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आया है, जो NCR के अंदर इस बार पटाखों की सेल नहीं होगी, बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये एक तरह से एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए है, ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। हम इस निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं और आप सब नगरवासियों को एक बार फिर बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली का पर्व मिलन का पर्व है और इस मिलन के पर्व पे हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने प्रदेश के साथ और अपने देश के साथ मिलकर एक राम राज्य की जो कल्पना जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखी है, हम उस कल्पना को पूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से, उसको रचनात्मक रूप से उसको लागू करें, उसमें सहयोग करें। ये दीपों का त्यौहार, खुशी का त्यौहार, इस त्यौहार पर सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं जय कुमार बिंदल, MC वार्ड नंबर 5 पानीपत, अपने वार्ड वासियों को और शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और दीपावली का त्यौहार आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। वॉइस ऑफ पानीपत की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मां महालक्ष्मी आपके परिवार और आपके व्यापार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आओ हम भी शपथ लें कि इस बार दिवाली पटाखा रहित मनाएंगे। एक बार फिर वॉइस ऑफ पानीपत की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली। पूरा देश दीपावली का त्यौहार मनाने में व्यस्त है। एक दूसरे को गिफ्ट देकर लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बाजारों में भी रौनक लगी है। कोई धनतेरस पर खरीदारी कर रहा है तो कोई अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने में मस्त है। लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने परिवार से बाहर निकलकर उन लोगों के साथ अपनी खुशियां साझा करते हैं जो समाज से काफी दूर हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी जो मेंटली डिसेबल हैं और ये काम कर रही हैं सुपर वुमेन क्लब पानीपत के सदस्य। ड्रीम मेकर्स NGO द्वारा संचालित सुपर वुमेन क्लब ने हुडा सेक्टर 12 स्थित मदर टेरेसा में दिव्यांगों के साथ दीपावली मनाई। पहले दिए जलाए गए, और बाद में अपने घर से ही दोपहर का भोजन बनाकर उन्हें खिलाया गया। NGO के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत लूथरा का कहना है
कि दिव्यांगों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाकर उन्हें मन की संतुष्टि हुई है। सर, सुपर वुमेन क्लब ड्रीम एक एनजीओ द्वारा जो संचालित है पानीपत में, आज मदर टेरेसा में दिवाली के उपलक्ष में एक डिब्बा खुशियों के अंतर्गत एक आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों को खाने पीने का सामान और दिवाली का सेलिब्रेशन किया गया। सुपर वुमेन क्लब पिछले कई वर्षों से निरंतर समाज सेवा समर्पित कार्य करता आ रहा है, जिसमें बस्तर बैंक रोटी डे समाज को समर्पित बहुत से कार्य करता आ रहा है, जिसमें आज मदर टेरेसा के अंदर दिवाली के उपलक्ष में कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने उनके सेलिब्रेशन किया। वही क्लब की अध्यक्ष कनिका मिगलानी का कहना है कि परिवार और दोस्तों के साथ तो हर कोई त्योहारों का आनंद लेता है, लेकिन इनके साथ त्योहार का सेलिब्रेशन कर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। क्लब की सभी सदस्यों ने मिलकर दिव्यांगों के साथ इस त्योहार को मनाया। मैं कनिका मिगलानी, सुपर वुमेन क्लब ड्रीम मेकर्स एनजीओ से पानीपत की अध्यक्ष हूँ। दिवाली के उपलक्ष्य में मैंने और मेरे साथियों ने यहाँ मदर टेरेसा में बेसहारा बच्चों का सहारा बनने की कोशिश की है और उनको दिवाली के उपलक्ष्य में दिवाली की सेलिब्रेशन हमने उन लोगों के साथ किया है, उनको दिवाली मनाने के लिए प्रेरित किया है और उनको खाना भोजन करवाने का हमारी तरफ से थोड़ा बहुत प्रयास है।